नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के क्षेत्र क्रमांक 11 के जिला पंचायत सदस्य अनीता ध्रुव ने आज मुख्यमंत्री से सिहावा विधानसभा क्षेत्र की जनता को बुनियादी सुविधा दिलाने के लिए 10 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 10 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा और मूलभूत सुविधाओं संबंधी 10 सूत्री मांग पूरा करने की गुजारिश की। अनीता ध्रुव ने मितानिनों की मानदेय राशि 1500 से बढ़ाकर 5000 करने, स्व सहायता समूह के 50,000 तक के कर्ज माफ। छत्तीसगढ़ प्रदेश धान के कटोरा है जहां पर शराब की नदियां बह रही हैं, जिन्हें पूर्णतः बंद करने की मांग। क्षेत्र में कॉलेज खोलने की मांग, उप तहसील कुकरेल को पूर्ण तहसील बनाने की मांग, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, इन सभी मांगों को मुख्यमंत्री से पूरा करने की मांग की। मांग पूरी नहीं करने पर मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरना देने की बात कही। 10 सूत्री मांग लेके कलेक्टर महोदय ला माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे हो। चुनाव के समय माननीय भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार है गंगा जल आधार के क्रिया खा रही से प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करूँ। हमर मितानिन बहनी मन के 1500 रुपया मान देला 5000 करूँ कह रही से। महिला समूह के बहनी मन के 50,000 कर्जा माफ करूँ कह रही से। हर ब्लॉक में फूड पार्क खोलूँ कह रही से। बेरोजगार युवा भाई बहनी मन के मल्ला बेरोजगारी भत्ता दूँ कह रही से। हमार पढ़ैया लोग लैका मन बर कॉलेज खोलूँ कह रही से। वन भूमि में काबिज किसान गरीब भाई बहनी मन के जमीन के पट्टा दूँ कह रही से। मोर जिला क्षेत्र में आके मोर जिला क्षेत्र के ग्राम दुकली में आके उप तहसील कुकरेला पूर्ण तहसील के घोषणा करे रही से। अभी तक ओकोठन मांगला पूरा नहीं करे हैं ओकरे सती कसम क्रिया सुरता दिलाए बा और 10 सूत्री मांग के ज्ञापन सौंप के आ हूँ। अगर मोर मांगला पूरा नहीं करी तब मैं अनीता ध्रुव घर में जाके धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के घर में।